नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। बड़ी खबर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे से आ रही है, जहां बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन से सड़क तक जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज मंगलवार को डाक बंगला चौराहे पर अचानक भारी संख्या में सभी जिलों से पहुंची आंगनवाड़ी सेविका अपनी मांगों को लेकर डाक बंगला चौराहे पर घंटों यातायात को बाधित कर प्रदर्शन किया, जिस दौरान पुलिसकर्मियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को समझा बुझाकर डीएम कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए भेज दिया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मांग की है कि सरकार उनका स्थायीकरण और उनके मानदेय को बढ़ाने की स्वीकृति दे। देखिए इस वीडियो को। आए हैं डीएम सर के, वो जो होता है वहाँ से घेराव करते हुए मुख्यमंत्री सर तक के घेराव करने के लिए हमारी मांग है सर को, है मुख्यमंत्री सर को, वो आए हमारी मांगे सुने। हमारी मांगे है सरकारी 25,000 का दर्जा, रिटायर के बाद हमें पेंशन की दर्जा, हम लोग को 8 घंटे के बजाय 10 घंटा खटाया जाता है, 5,059 रुपया में हम लोग को कुछ नहीं होता है। सर ने एक नारी के लिए, बिहार के लिए सर ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दहेज प्रथा उन्होंने रोका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या शराबबंदी के लिए रुके, कन्या सुरक्षा के लिए हम लोग से काम करवाते, हम लोग के लिए दुर्नीति क्यों सर कर रहे हैं? सर आए हम लोग को परमानेंट करे, बातों को नहीं माना जाता है तो क्या कीजिएगा? हमारी बात है कि सर इस बार जरूर मानेंगे, हमको यकीन है, नहीं मानेंगे उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन इस बार विश्वास है कि सर हमारी मांगे पूरी करेंगे। हम लोग आंगनवाड़ी सेविका हैं, हम लोग सरकारीकरण के लिए हैं, जब तक सरकार हमारी सरकारीकरण नहीं करती है, मानदेय नहीं बढ़ाती है, तब तक हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। काहे के लिए, क्या मांग है आप लोग? हम लोग को सर मानदेय बढ़ाने के लिए, सरकारीकरण करने के लिए, सरकारीकरण करने के लिए। बताइए बताइए, अभी हम चौराहे पे हैं। किस चौराहे पे? डाक बंगला चौराहे पे हैं, अभी हम विकास भवन जा रहे हैं।